अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी, जो कि है ओहम्स लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है, और बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक है ये। तो कहते हैं, वी हैव सीन दैट व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट बिगन्स टू फ्लो थ्रू इट। अब हमें आप सबको बहुत अच्छे से पता है कैसा ही होता है, जब भी बैटरी को अटैच किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब हमने ये देखना है कि कितना करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से, व्हेन अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप अक्रॉस द एंड्स। और इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो दिया सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने, और उसने शो किया बाई एलेबोरेट एक्सपेरिमेंट्स दैट द करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। उसने क्या कहा कि जो करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर में से, वो पोटेंशियल के डायरेक्टली वेरी करता है। अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करता है, अगर पोटेंशियल कम होगा तो कम करंट फ्लो करता है। और इस इफेक्ट को कहते हैं, इज नोन एज ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम के नाम पे ही इसका नाम रख लिया गया कि ये ओहम का लॉ है, उसने बनाया था। और इसकी स्टेटमेंट क्या बता रही है देख लेते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। किसी भी कंडक्टर में से पास करने वाला करंट, उसके एंड्स पे जो बैटरी हम लगाएंगे, जो पोटेंशियल हम लगाएंगे, उसके डायरेक्टली वेरी करता है। और साथ में कंडीशंस क्या हैं कि फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं होने चाहिए। फिज़िकल स्टेट कौन सी, कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली वेरी करेगा, और ये फिज़िकल कंडीशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आपने MCQ और इनको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिंबॉलिकली। सिंबल के तौर पे हम ओहम्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं जी, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमने सॉल्व करके लिखना है कि वी इज इक्वल टू आर आई किस तरह से आया। इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज इट इज़ आई। ठीक है, और इक्वल साइन लगाएंगे, और इक्वल साइन के साथ हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं जी 1/r। ठीक है, और साथ में वी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये r जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा वी इज इक्वल टू आर आई। अब यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल है, करंट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वेयर आर द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर पे, डायमेंशंस पे, एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर पे। In fact, the resistance is a measure of the opposition to the motion of electrons due to their continuous bumping with the atoms of the lattice. वो कहते हैं यहाँ पर resistance क्या show कर रही है। resistance का मतलब है कि जब electrons move करने की कोशिश करते हैं तो उनको collision का सामना करना पड़ता है विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं कंडक्टर के, वो कंटिन्यूसली अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ना कर सकें कंडक्टर में से। ठीक है, और वो मूव करके ना जा पाए दूसरे एंड पे। तो ये जो अपोजिशन है उसको रेजिस्टेंस के तौर पे लिया जाता है, और द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है जी ओहम। बिल्कुल सेम, ओहम के नाम पर इसका यूनिट भी रखा गया, और डिफाइन करें ओहम को, अ कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। और जो सिंबल है ओहम का, उस तरह से हमने लिख देना है ओमेगा, जैसे इसको कहते हैं
If I is measured in amperes, V in volts, then R is measured in ohms. तो यहाँ से आप देख सकते हैं R का यूनिट ओहम है, V का वोल्ट्स है और I एम्पियर. तो यहाँ से आपने ये डेफिनेशन जो है इसको अंडरलाइन कर लेना है. ये क्या है जी, ओहम की डेफिनेशन है. अ कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. ठीक है, और ये डेफिनेशन आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 13.3 से. इनके साथ आप लिख लें 1 1, ठीक है, इसके साथ भी 1 लिख लें, इसके साथ भी 1 लिख लें और इसके साथ भी 1 लिख लें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो और 1 एम्पियर का करंट पास करे तो जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम की होगी. तो जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम की होगी. अ सैंपल ऑफ कंडक्टर इज सेड टू ओबे ओहम लॉ. अब हम यहाँ पे बताएंगे कि किसी कंडक्टर का सैंपल जो है वो ओहम लॉ को ओबे करता है या ओबे नहीं करता. ओबे करेगा तो हम क्या कहेंगे उसको, कौन सा कंडक्टर होगा वो, और अगर ओबे नहीं होता फिर उस कंडक्टर को क्या नाम देंगे. तो सैंपल ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी ओबे ओहम्स लॉ इफ़ इट्स रेजिस्टेंस आर रिमेंस कॉन्स्टेंट. फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या होगी, रेजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी. तो जब हम रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट का, तो वह एक स्ट्रेट लाइन आती है. हमें पता है ना कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. वी प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है, तो या आई प्रोपोर्शनल टू वी है. तो जब हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है. वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और आपके पास ये जो इक्वेशन है या जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है. अ कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबेज ओहम लॉ इज कॉल्ड ओहमिक. ऐसा कंडक्टर जो ओबे करता है ओहम लॉ को उसको ओहमिक कंडक्टर कहते हैं. ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है इसको कहाँ से कहाँ तक. अ कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबेज ओहम लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर. ठीक है, कहते हैं हाउ एवर दीज देर आर डिवाइसेज विच डू नॉट ओबे ओहम लॉ दे आर कॉल्ड नॉन ओहमिक. ठीक है, तो यहाँ से आपने नॉन ओहमिक की डेफिनेशन भी कर लेनी है. क्या होता है, ऐसी डिवाइसेज द डिवाइसेज विच डू नॉट ओबे ओहम लॉ दे आर नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर्स. और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में जो आपके पास डिवाइसेज होती हैं वो होता है फिलामेंट बल्ब. ये जो बल्ब आप घर में यूज़ करते हैं जो येलो लाइट आपको देते हैं वो फिलामेंट बल्ब होते हैं, वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता. इसी तरह से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाती, लिहाजा वहाँ पे भी ओबे नहीं होता ओहम लॉ. और इनकी जो रिलेशन है, इनका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है. देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं आपको मिलती बल्कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओहमिक कंडक्टर्स के लिए लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए ये लाइन जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है. तो कहते हैं लेट अस अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ अ फिलामेंट लैम्प एंड मेजर द रिजल्टिंग करंट पासिंग थ्रू इट. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को मेजरमेंट को रिपीट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपको आई वी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती. इसका मतलब है फिलामेंट जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस है और जो जो डेविएशन हो रही है ये जो स्ट्रेट लाइन से हटाओ मिल रहा है आपको फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विद द टेम्परेचर और अ टॉपिक इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन. कहते हैं यहाँ पे जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट नहीं है और इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे. एज अ करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 0 द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन द इनिशियल स्टेट.
बिकॉज अ चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विद टेम्परेचर ड्यू टू स्मॉल करंट इज नॉट अप्रिशिएबल। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टार्ट में आपके पास ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है क्योंकि स्टार्ट वाले पोर्शन में जो हीटिंग इफेक्ट है वो इतना नहीं होता, लेकिन जब हीटिंग इफेक्ट थोड़ा अप्रिशिएबल हो जाएगा, जब आपके पास टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हो जाएगी और यहाँ से आपको फिर मिलेगी एक डेविएटेड लाइन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो डेविएट हो जाएगी और ओहम लॉ जो है वो फिर ओबे नहीं हो पाएगा। कहते हैं एज द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन था इनिशियल स्टेज पे क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है फिलामेंट की इतनी ज़्यादा नहीं होती। एज द करंट इज फर्दर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट कंटिन्यूज टू इंक्रीज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। और अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइस होते हैं सेमी कंडक्टर डायोड, और यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज का प्लॉट होता है वो ज़रा भी स्ट्रेट नहीं होता, वो स्टार्ट से ही डेविएट हो जाता है। दिस ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए सेमी कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो नॉन ओहमिक कहते हैं। और इनकी ग्राफ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला यहाँ पे ये होता है जी फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्टार्ट से ही डेविएटेड है और आगे तक वो डेविएटेड ही चल रही है। और नीचे वाला पोर्शन जो दिखाया हुआ है, नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन में क्या हो रहा है, ये रिवर्स बायस की कंडीशन होती है। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायस में हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं यानी कि उनको हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, और जो रिवर्स बायस होता है उसमें हम क्या करते हैं उनको रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड करते हैं यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं इस केस में। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको ओहम लॉ का पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, फिलामेंट बल्ब जो है वो ओहमिक होता है या ओहमिक नहीं होता, इस तरह से सेमीकंडक्टर डायोड्स जो है उनका ग्राफ कैसे बनता है, वो क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आज के टॉपिक से क्लियर हैं। ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, ओहम की डेफिनेशन आपने करनी है, और ये जो ग्राफ्स दिए हुए हैं ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।